अस्सलाम वालेकुम टू गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज व्लॉग होने वाला है बहुत अच्छा, ईद डे टू। आज व्लॉग का जो हेड है वो ये है कि मामू का तुनतुनैया मामू इस हमारे साथ मौजूद है सलीम, और अभी हम जा रहे हैं जी पबियों की तरफ, और आज मामू का देखते हैं तुनतुनैया ईद के दूसरे दिन। तो आइए चलते हैं, और आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सैंडविच फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंड आगे देखते हैं। यहाँ से लेंगे थोड़ा सा तंत नहीं है जो करना है सलीम भाई ने, तो आइए देखते हैं। और तंत नहीं है के लिए उनको भी भाई जान, और तंत नहीं है के लिए भाई के लिए क्या रहा है? मसाला। वाह भाई वाह, बारबेक्यू मसाला ले ली सारे दोस्त ले लो। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੀਮ ਭਾਈ ਕੇ ਲਿਏ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਨਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ले जी फाइनल गाइस, तुनतुनैया पॉइंट बिल्कुल करीब है, और देखते हैं जी। ये जी खारिया फॉरेस्ट में हम इस टाइम, और आज ईद डे टू, यहाँ पर कुछ देर एंजॉय करेंगे, तो आइए चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आपको पबियों में। आ गए हैं हम पबियों में, फॉरेस्ट में पहुंच चुके हैं। आप यहाँ के सीन चेक कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गायें वगैरह भी मौजूद हैं, और ये यहाँ पर चारा खा रही हैं, और इंतहाई खूबसूरत जगह है देखने के लिए। तो आइए इसे भी रिसर्च करते हैं साथ है। लें जी फाइनल तुनतुनैया शुरू हो गया, और अभी इस टाइम हम अपना फॉरेस्ट पर पहुँच चुके हैं, तो अभी ये फॉरेस्ट को सर्च करेंगे थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मौसम है। मौसम जो है आज हॉट है, आज 37 सेंटीग्रेड जो है यहाँ पर गर्मी है, लेकिन यह है कि हवा साथ साथ बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पर सर्वाइव किया जा रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है। तो अभी आपको यहाँ की जंगली गायें भी दिखाते हैं। खाती हैं, और चारा वगैरह खाने के बाद ये अपने घरों को वापस लौट जाती हैं। इनका यहाँ पर एक बड़ा जो है वो सीन है, ये सारा इलाका ही इन्हीं के लिए छोड़ा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। फॉरेस्ट जो है वो है ही इनका, जानवरों का, जो यहाँ पर इनकी चरागाह है, जहाँ पर ये खा भी सकते हैं, फल फूल सकते हैं, और बड़े हो सकते हैं। आज हमारे लिए सीन कुछ ऐसे हैं कि सामने एक बहुत गहरी पबियाँ हैं, तो इनको आज रिसर्च करेंगे। वे ये आप देख सकते हैं कि ये गैलरी आ गई है, इसमें से होते हुए गुजरना है, और सलीम बाबा भी इधर से होते हुए गए हैं। वाह जी वाह, खूबसूरत नज़ारे हैं। थानू पता ही नहीं, थैंक यू।
वाह सुभान अल्लाह, वाकई एक खूबसूरत गैलरी पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सख्त गर्मी के बावजूद एक ठंडी हवा का झोंका चल रहा है जिसकी वजह से हमें भी सांस लेने का मौका मिल रहा है। तो आइए एक्सप्लोर दिस। माशाल्लाह सारी टीम पीछे रह नज़ारे अल्लाह पाक के। गजाली भाई भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और आज हम इन्हें भी तुनतुनैया पार्टी में शरीक कर रहे हैं जिसमें सलीम खान साहब तुनतुनैया के तमाम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो पीछे आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स में कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, ये मेरे मालिक के बनाए हुए हैं सुभान अल्लाह। क्लाउड्स के ये नज़ारे वाकई देखने को हैं और जो भी इसे देखे सुभान अल्लाह ज़रूर के। एक्सप्लोर दिस एरिया और जब भी आप यहाँ पर किसी भी कॉर्नर पर जाते हैं तो आपको यकीन माने एक नया नज़ारा देखने को मिलता है। जिस तरह ये एक कॉर्नर है माशाल्लाह, ये एक गैलरी है और इंतहाई खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है आपके सामने माशाल्लाह। ये है जी खड़िया फॉरेस्ट पदियाँ और यहाँ पर हम अक्सर जो है घूमने के लिए आते रहते हैं, इंतहाई खूबसूरत जगह है रिलैक्सेशन के लिए। रिलैक्सेशन के लिए इस गैलरी में आप जब भी आएंगे तो आपको यकीन माने कि शहर की आबादी और शोर से दूर इधर आपको इंतहाई मज़ा आएगा और यहाँ की हवा और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी बेहतर है शहर से। भाई की कर रहे हो तुम तो नैया भैया इसके बाद हम ज्यादा तुम तो नैया करेंगे जी जी। सर सलीम की कर रहे हैं ए दसो जी की कर रहे हो जी तुम तो नैया हूं इन्होंने खोल लिए जनाब नीम को इसके बाद क्या तुम तो नैया कर रहे हैं सर देखो बारबेक्यू कॉर्नीस के चल रहे हैं जी न्यू और साथ फांटा की बोतल तुनतुनैया शुरू। ऐ देखो ना भाई जिहड़ा सानू कहंदे तुनतुनैया भाई मैं आ खुद तुनतुनैया लगे हो वाह सुभान अल्लाह वाह अल्लाह भाई वाह आप पूरे करने इस की बात तुनतुनैया गाइस आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अगले एपिसोड में होती है मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।